हेलो पीपल, आईब्रो मेकअप आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको एंड तक अपनी आईब्रो मेकअप करना ज़रूर आ जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं आईब्रो कॉम्ब ले लूँगी और उसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज को एक बार कॉम्ब कर लूँगी। ये स्टेप आप ज़रूर करें। और फिर मैं एक एंगुलर ब्रश ले लूँगी, एंगुलर ब्रश और जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, म्यूजिक फ्लावर का ब्राउन शेड का। और मैं अपनी जिस भी शेप की आपकी आईब्रो होती है उस शेप की आपके आउटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको एक अच्छा सा शेप मिल जाता है और एक एरिया मिल जाता है कि जिसके अंडर आपको अपनी आईब्रोज को सेट करना है। अगर आपके पास जेल आईलाइनर वगैरह नहीं है तो आप नॉर्मली जो आईब्रो पेंसिल होती हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने आउटर को ड्रॉ करने के लिए। अच्छे से आपको अपना आउटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड मेक श्योर आप यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ ना करें। जैसे आप देख रहे हैं, मैं इसी सेम एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने गैप्स को भी फिल कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा गैप्स को फिल कर लूँगी मैं। और नॉर्मली आप ब्लैक कलर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाउड लगती हैं आपके फेस के साथ। सो आप लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे शेड के साथ जा सकते हैं अपनी आईब्रो के कलर के अकॉर्डिंग, या जितनी डेंस आपकी आईब्रो है उसको देख कर आप शेड चूज़ कर सकते हैं आईब्रोज़ के लिए। देन यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रोज को थोड़ा थोड़ा फिल कर लिया है। उसके बाद एक मैं क्लीन एंगुलर ब्रश ले लूँगी और जो भी हमने आउटर ड्रॉ किया है उसको अपनी आईब्रोज के साथ ही ब्लेंड कर दूँगी। याद रखें, जो आउटर आपने ड्रॉ किया है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं NYB की आईब्रो पेंसिल ले लूँगी और अगेन इससे मैं अपने जो गैप्स हैं उनको फिल कर लूँगी। और याद रखना है आपको बहुत ज़्यादा आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, एकदम लाइटली आपको करना है, लाइट हैंड से आपको करना है। नहीं तो क्या होगा, आईब्रो पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क लग जाएगी और अगेन वो बहुत लाउड लगेगा। बहुत लाइट हैंड से आपको करना है जिससे जो भी आपकी आईब्रो पेंसिल है वो एक जगह में कलेक्ट ना हो। और इसीलिए मैं आपको बार बार ब्रश करते दिखाऊंगी। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं अगेन ब्राउ ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी, जिससे क्या होता है आपका आईब्रो मेकअप एक ही जगह पे सेटल नहीं होता है, उसको पूरा स्प्रेड आउट आपको करना होता है। सो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप आप बिल्कुल भी ना करें। नाउ मैं यहाँ पे जैकलिन हिल का मैंने आई शेडो पैलेट ले लिया है और यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन शेड आप जैसे देख रहे हो वो मैंने ले लिया है और इससे मैं अपने गैप्स को एक बार फिल और कर लूँगी। इससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा लुक आ जाएगा और एक डार्कनेस आ जाएगी आईब्रोज में। अगर आपकी आईब्रो मेरे ही शेड की है, मेरे ही कलर की है, तो आप नॉर्मली सेम आई शेडो यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आपका जो भी कलर आपको सूट करता है उस कलर पे आप जा सकते हो, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे भी आप चूज़ कर सकते हैं। नाउ अगेन मैंने इनको सेट कर लिया है अपने ब्राउ ब्रश की हेल्प से। देन फिर से मैं एक बार कॉम कर लूँगी जिससे मेरा जो मेकअप है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, किसी जगह पे सेटल नहीं होगा। और लास्ट चीज़ आती है आपका, आपको कंसीलर लेके ज़रूर एक बार अपनी जो आईब्रोज है उसको फिनिश कर लेना है। सो ये फिनिशिंग स्टेप से ही पूरी आपकी आईब्रो कंप्लीट होती है और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बढ़िया लुक आता है फिनिशिंग के बाद। आप देखिएगा, कंपेयर करिएगा फिनिशिंग से पहले और फिनिशिंग के बाद, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है, पूरी आईब्रो कंप्लीट हो जाती है इसके बाद। और इसको मैं फ्लैट टॉप ब्लूमिंग ब्रश की हेल्प से इसको मैं स्प्रेड आउट कर दूंगी, नीचे की तरफ आपको इसको ब्लेंड करना है। इससे क्या होता है, एक अलग से शेप निकल के आती है तो आपकी आईब्रोज हाईलाइट होती हैं जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। सो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऊपर की तरफ से भी देखिए, जैसे कि मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने आईब्रोज को, हाँ तो मैंने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी आईब्रोज में जो कंसीलर को लगाया था आउटर पे उसको ब्लेंड कर लिया है अपनी आईब्रोज के अराउंड। और आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों ही आईब्रोज में गाइज। और बिल्कुल दूसरी आईब्रो भी मैंने सेट कर ली है और बीच में आपको एक बार कंसीलर लगा लेना है, ब्लेंड कर लेना है अपनी स्किन में, जिससे वो क्लियरेंस एक आ जाएगी। सो वो अच्छा लगेगा। नाउ लास्ट स्टेप मैं कंप्लीट कर रही हूँ हाईलाइट करके। सो यहाँ पे मैं नॉर्मली अपनी जो ब्राउ बोन है उसको हाईलाइट कर लूँगी। आप चाहें तो ब्राउ बोन को नीचे से और ऊपर से दोनों ही तरफ से हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है। सो गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी।